हेलो, बोल क्या चल रहा है चंद्रपुर के जंगल में? सब कुछ कुशल मंगल? मुंबई में आया हूँ। क्या? अरे तू तो 8 दिन के लिए गया था ना? आना पड़ा। क्यों, तुम किधर हो? अरे मैं तो घर पे ही हूँ, एक फंक्शन में जाना है। कैंसिल कर। नहीं नहीं, हो नहीं सकता। अरे बेबी के साथ फंक्शन में जाना है और इतने दिन में प्लान किया है मैंने। प्रोड्यूसर का फोन था क्या? हाँ, 2 दिन के अंदर स्क्रिप्ट रेडी चाहिए उसको। अरे लेकिन मैं कैंसिल कर ही नहीं सकता। तो पेन मनी वापस मांगा है? नहीं तो व्हाट? पेन मनी? नहीं नहीं नहीं, तू एक काम कर, नीलकमल होटल में आज। हेलो हेलो, कहाँ पे? हेलो, किसका फोन था? किसी का नहीं है। वो कब आया चंद्रपुर से? वो आज ही सुबह आया है। मुझे लगता है प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ेगा। क्यों? क्या है ना, प्रोड्यूसर अगर 2 दिन में स्क्रिप्ट नहीं दिया ना तो पेन मनी वापस मांग रहा है। पता था, हमेशा कहे। ऐसी बात नहीं है। ठीक है ठीक है, फिर जाओ तो, मैं जाती हूँ अकेले। और उसी से शादी करना। अच्छा है ना, फिर तुम्हें फ्रीडम मिल जाएगा, किसी से कुछ परमिशन लेने की जरूरत नहीं, कभी भी आओ कभी भी जाओ, एकदम फ्री। क्या अच्छा है। क्या सोचा है? हाँ देख, वो है ना, वो चंद्रपुर के जंगल से जस्ट वापस आए। वहां जंगल में क्या करने गया था? कुछ भी करने के लिए गया होगा, घूमने के लिए गया होगा, दोस्तों के साथ मजा करने के लिए गया होगा, लाइफ में कुछ थ्रिल चाहिए इसलिए शेर देखने के लिए गया होगा। दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट ये है कि वो वहां से वापस आता है। चंद्रपुर से? नहीं नहीं, चंद्रपुर के जंगल से। वो पुणे से क्यों नहीं आता? क्योंकि पुणे में जंगल नहीं है। अरे बाबा, जंगल ही क्यों, हम पहले से ही जंगल कहेंगे तो लोगों को सब समझ में आएगा ना। इतने डिटेल्स में मत जाओ यार। वो आता है चंद्रपुर के जंगल से, बघर में है, समझे? शेर है क्या चंद्रपुर के जंगल में? हाँ, शेर है कि चंद्रपुर के जंगल में, उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है ना, रेफरेंस हमेशा करेक्ट होने चाहिए। बोलो, शेर है क्या चंद्रपुर के जंगल में? मुंबई में चूते हैं। अरे मुझ पे गुस्सा करके क्या करोगे? तो फिर फैक्ट्स करेक्ट करो ना। ये कोई डॉक्यूमेंट्री है क्या चंद्रपुर के जंगल के ऊपर, जो हम हर स्कूल में जाके हर बच्चों को दिखाने वाले है? लेकिन तुम जो वहां है कह रहे हो, वहां होना तो चाहिए। आगे चले। ठीक है, आता है चंद्रपुर के जंगल से, आगे आता है चंद्रपुर के जंगल से, बहुत थका हुआ है लेकिन मजा करके आया है, लेकिन वह बहुत परेशान है। क्यों? क्योंकि उसे डर लग रहा है, इसलिए जब ओ ब को हग करने के लिए आगे जाता है ना, तो ब ने सर्जिकल फेस मास्क, रबर हैंड ग्लोव और रेनकोट डाला हुआ है। अरे भाई क्यों? क्योंकि उसे डर लग रहा है कि वो उसे भी हो जाएगा। अरे टच करने से कुछ नहीं होता, दो जिस्म में जब लिक्विड सब्सटेंस की लेन देन होती है ना तब होता है, जैसे संभोग, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सिर्फ टच ना। ये तुम्हें पता है, मुझे भी पता है। लेकिन ब को पता नहीं है, ये फालतू है। लेकिन कॉमेडी है, कोई नहीं हंसेगा। ये तुम्हारे हैंड ग्लोव्स, रेनकोट, ये सब बच्चों की फिल्मों में ठीक लगता है। हाँ,
कल मैंने अखबार में पढ़ा कि आजकल अफ्रीका से आने वाला फैक्स भी लोग हैंडलोज पहन के उठाते हैं। ऐसा जोक होगा? तुम्हें लाइफ इतनी सरल लगती है? अरे तुम्हें वो दोनों होमोसेक्सुअली क्यों चाहिए? हाँ, क्योंकि देखने वाले बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि वो सिर्फ उन्हें ही होता है। और हम उनकी गलतफहमी और बढ़ाएंगे। हाँ, और वो कॉमेडी है। होमोसेक्सुअल होना कॉमेडी है? फिल्म में है, रियल लाइफ में नहीं है। और फिर भी तुम्हें वो कॉमेडी बनाना है? क्या है कि हम क्या दिखाना चाहते हैं फिल्म के जरिए कि डिसीज के डर के वजह से लोग कुछ भी पागलपन जैसे हरकतें करते हैं, इसीलिए तो फिल्म है। सिर्फ हम कॉमेडी के जरिए ये बात लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि कॉमेडी से जो काम कर सकते हैं ना वो सीरियस होके नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि हमें और सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज भी बहुत से लोग ये वायरस अपने शरीर में लिए घूम रहे हैं और शायद उन्हें पता भी नहीं है। गवर्नमेंट बहुत सी कोशिश कर रही है लेकिन कुछ फायदा नहीं है। क्या पता हमारे आसपास भी कोई ऐसा बंदा हो। मुझे ना आजकल के यंग जनरेशन में बड़ा तरस आता है। क्यों? क्योंकि उनके सेक्स के ख्याल इतने अलग है, इतने एडवांस है, और उन्हें वापस आना पड़ रहा है। जैसे कोई ओल्ड फैशन वापस आती है ना वैसे। क्यों? क्योंकि डर है ना लावारिस बच्चों का, नहीं मौत का। फिर भी ये सेफ नहीं है, क्योंकि दुश्मन जब सामने से हमला करता है ना तो बचना पॉसिबल है, लेकिन पीछे से हमला करता है ना तो बचना मुश्किल हो जाता है। एक वॉर में जितने लोग मर रहे हैं ना उससे कहीं ज्यादा लोग मर रहे हैं। सिर्फ एक छोटा सा वायरस और मौत, सिर्फ मौत। और हमें ये पब्लिक को दिखाना है, वो भी बिना डरा है। और ये पॉसिबल है? पॉसिबल है ना। फैक्ट्स, रियलिटी, तुम्हारे हैंड ग्लोव्स, रेनकोट, इससे कुछ नहीं होगा। सही है यार। साला एक बंदर, अफ्रीका के जंगल में रहने वाले एक बंदर के जरिए ये इंसान में आया। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा करीब आ गए। इंसान ने जंगल तोड़े, वो जंगल जहां पे वो हजारों सालों से रहता था। हाँ, और ये भी एक सोशल और इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हो सकता है अगर ये कॉमेडी नहीं हो तो। फिर भी तुम्हारा वही रोना। अरे लोग मर रहे हैं उसके बारे में सोचो ना। उसकी आदत है सबको। सुनामी, भूकंप, भूख पड़ी, कुछ भी वजह नहीं, अचानक मौत। और अगर इस पे तुम कॉमेडी नहीं कर सकते हो ना तो तू खुद सुसाइड कर। मुझे लगता है कि हमें और एंगल से देखना चाहिए। मतलब अपने खुद के एंगल से, सब्जेक्ट के अंदर झांक कर देखना चाहिए। ठीक है, तू लास्ट दिसंबर दिल्ली गया था सेमिनार के लिए, चंद्रपुर कैंसर। हाँ, वहां ना तुम्हें एक एक्ट्रेस मिली थी, नेहा। वो दिखने में ज्यादा खूबसूरत नहीं, ठीक ठाक है। सेमिनार के लास्ट दिन रादर नाइट को वो तुम्हारे कमरे में आ जाए, तुम दोनों में सेक्स हो जाते हैं, और तुम वो चीज वही पे भूल गया, तुम मुंबई वापस आ जाते हो। इसके बारे में किसी से भी कुछ भी नहीं कहते, आशा से भी नहीं, क्योंकि वो चीज तुम वही भूल गया। दिन गुजरते हैं, महीने गुजरते हैं, जून आ जाता है, स्कूल शुरू हो जाता है। एक दिन तुमने ऑफिस से छुट्टी ली है कुछ लिखने के लिए, घर में बैठे हो, लैपटॉप खोल के उस पर काम कर रहे हो, तुम बहुत सी सिगरेट पी चुके हो, एक और लाइट करते हो, तीन बज चुके हैं, तुम थक जाते हो, तुम्हें थोड़ा सफोकेशन होता है, इसलिए तुम उठते हो, विंडो खोलते हो, बाहर जोरों की बारिश होने की संभावना है। तुम्हें कॉफी पीने का मन होता है, इसलिए तुम कॉफी बनाने के लिए किचन की तरफ मुड़ते हो, तभी नेहा का मैसेज है, मुझे एड्स की टेस्ट लेनी पड़ी, इट वॉज पॉजिटिव, तुम्हें बताना जरूरी लगा, नेहा। अब तुम क्या करोगे? टेस्ट करोगे? क्यों? तुम कह रहे हो इसमें? क्यों नहीं? मैं इन्फेक्टेड नहीं भी हो सकता हूँ।
अच्छा मतलब तुम टेस्ट नहीं करो? नहीं। अब रात हो चुकी है, तुम अपने बेडरूम में हो, तुम्हारे बाजू में आशा सो रही है, हर तरफ सन्नाटा है, तुम्हें नींद नहीं आ रही, तुम्हें गिल्टी फील हो रहा है, प्रिकॉशंस लेना चाहिए था यार, ऐसा तुम्हें लगता है। और अचानक आशा मुड़ती है और उसका हाथ तुम्हारे पेट पे आता है। मैंने क्वांटम यूज किया, एक रबर 0.03 mm पतला तुम्हें बचा पाएगा। मैं टेस्ट करके लूंगा पक्का, और कोई इलाज ही नहीं है। तो फिर नेहा का मैसेज डिलीट करने के बाद तुम उठते हो, जल्दी से तैयार हो जाते हो। बारिश की संभावना है इसलिए तुम रिक्शा लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाते हो। रिक्शा वाला तुम्हें एग्जैक्टली हॉस्पिटल के अपोजिट साइड में छोड़ देता है। अब रोड क्रॉस करके हॉस्पिटल में तुम्हें जाना है, लेकिन रोड क्रॉस करने का कॉन्फिडेंस तुम्हें नहीं है। तुम एक गाड़ी के सामने आ जाते हो, फिर वो गाड़ी वाला चिल्ला, ए चुतिया। फिर तुम जैसे तैसे हॉस्पिटल में पहुंच जाते हो। अब तुम हॉस्पिटल में रिसेप्शन पे हो, लेकिन वहां जाने के बाद तुम्हें पता चलता है कि एड्स की टेस्ट लेना मतलब क्या, ये तुम्हें पता ही नहीं है। तुम रिसेप्शनिस्ट से पूछते हो, मैडम मुझे एड्स की टेस्ट करनी है। मैडम एक लड़की है, टीनेजर, तुम नर्वस हो जाते हो। प्लीज कम इन। कहिए। मैडम मुझे वो एड्स की टेस्ट करनी है। क्यों? नहीं मुझे वो ऐसे एड्स की टेस्ट करनी है। क्या आप गे हो? नहीं नहीं मैं गे नहीं हूँ, हम दिल्ली में गए थे ना सेमिनार के लिए, वहाँ। फिर तुम डॉक्टर को नेहा के बारे में और उसके मैसेज के बारे में सब बता देते हो। नीचे लैब में जाके चिट्ठी और ब्लड दे दीजिएगा और फिर रिपोर्ट मिलने के बाद लेकर आइए। नेक्स्ट ये पकड़ो, अब फ्राइडे रिपोर्ट मिल जाएगी। फिर वहां से तुम सीधा घर वापस आ जाते हो। नहीं मैं लाइब्रेरी में जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि इसके रिलेटेड बुक्स मुझे वहीं मिलेंगे। ठीक है। अब तुम लाइब्रेरी में पहुंच जाते हो। पूरी लाइब्रेरी ढूंढने के बाद तुम्हें एक किताब मिलती है एड्स पे लिखी हुई। लाइब्रेरियन तुम्हारी तरफ देखता है, तुम्हें तुम्हारा फ्यूचर उसकी आंखों में नजर आता है। फिर तुम वहां से घर पहुंच जाते हो। तुम बहुत थक चुके हो, तुम्हें लगता है कि तुमने कर दिखाया, तुम्हें अपने आप पे थोड़ा प्राउड भी फील होता है। फिर तुम वो किताब खोल के उसे पढ़ने की कोशिश करते हो।
तभी बिजी हूं, मुझे डिस्टर्ब नहीं करने का। कुछ गलती थी? नहीं। अरे फिर ऐसे ही डांटा? क्या नाम क्या है टीचर का? हाँ बोलो। मेरा टीचर। सिर्फ टच करने से कुछ नहीं होता। नहीं ना, लेकिन तुम जो ये बड़ी वाली किताब लेके आए हो ना, उसमें से तुम्हें कुछ पता नहीं है, लेकिन उसमें एक सेंटेंस है, द वायरस इज ट्रांसमिटेड वाया सेमिनल फ्लूड ब्लड एंड पॉसिबल सलाइवा एंड टीयर्स, so it is very important to avoid contact between mucous membrane. अरे क्या मस्त कॉन्सेप्ट है, सुनीति क्या गाती है, तुम्हें आना चाहिए था। तेरी वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना। अब तुम आशा को सब बता देते? नहीं। क्यों, तुम उसे नहीं बताओगे? अगर मुझे इन्फेक्शन नहीं हुआ तो। अब फ्राइडे आ जाता है। आज तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है। आज तुमने ऑफिस से छुट्टी ली है। बारह बज चुके हैं। तुम्हें 3 बजे पता चलने वाला है। फिर तुम तैयार होते हो और बाइक से हॉस्पिटल पहुंच जाते हो। जिंदगी में पहली बार एड्स का रिपोर्ट पढ़ रही है, ऐसे तुम्हारा रिपोर्ट देख रही है। तुम्हें बहुत अनइजी फील हो रहा है, तुम्हें चिल्लाने को जी करता कि बताओ, लेकिन तुम कुछ नहीं कहते, सिर्फ इधर उधर के पोस्टर्स देखते रहते हो। फिर डॉक्टर कहती है पॉजिटिव। चलो अच्छा हुआ। क्या अच्छा हुआ? इसका मतलब ये है HIV पॉजिटिव हो। आपको इससे अब मैं जो बताने वाली हूँ यहाँ से सुनिए।
आपको ईआरटी ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी, बहुत सारे प्रिकॉशंस, डाइट, मेडिसिन, ये भी सब आपको लेने पड़ेंगे। मैं आपको लिखकर देती हूँ, आपको लीजिए। हेलो, एक्सक्यूज मी। देर रात तुम वापस घर आ जाते हो। आशा और आर्द्रा घर में ही है। आशा दरवाजा खोलती है, अब तुम क्या करोगे? अब तो उसे बताना ही पड़ेगा ना। कैसे बताओगे? दरवाजा खोलते ही बताओगे कि आशा मुझे एड्स हुआ है ऐसे? नहीं नहीं, अभी नहीं बताऊंगा मैं। फिर कभी बताऊंगा। कैसे बताओगे? मुझे मुझे बताओ, मुझे वो सुनना है, मुझे वो वर्ड सुनने हैं। तुमसे कैसे बताओ, बताओ कैसे बताओगे? याद है ना, मैं लास्ट दिसंबर दिल्ली गया था, वहां मुझे वो एक्ट्रेस मिली ने कहा, उसकी वजह से मुझे मुझे एड्स हुआ। आशा दरवाजा खोलो ना, मेरी बात तो सुनो। आशा 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 सुनो ना मेरी बात, आशा मेरी बात तो सुनो। आशा मेरी मेरी गलती नहीं है, आशा मेरी बात तो सुनो। आशा मेरी गलती नहीं है, ये मेरी गलती नहीं है। आशा तुम दरवाजा तो खोलो। अरे ये क्या हो रहा है? क्या हम एड्स पे फिल्म बना रहे थे ना, फिर अभी मेरी शादी पे क्यों? तुम ही तो कह रहे थे ना कि कुछ अपने एंगल से देखेंगे, सब्जेक्ट के अंदर घुसना चाहिए, पर्सनल होके देखना चाहिए। अब क्या हो गया? बट गए पर्सनल होके देखेंगे। बस बस तुम्हारा क्या? मेरा क्या? देख, जिसे नेहा मिली है वो तुम, वो ब्लड टेस्ट, वो इन्वेस्टिगेशंस, ये सब तुम्हारे बारे में हुआ है। अब क्या करोगे? मैं यहाँ तक आने ही नहीं दूंगा। क्या करोगे? मैं सुसाइड कर लूंगा। कैसे? अब मैं ट्रक के नीचे आ जाऊंगा। फिर वो ट्रक ड्राइवर गया? मैं नदी में कूद जाऊंगा। कैसे? सुसाइड नोट लिख के? हाँ। क्या लिखोगे? वंदना, मैंने मेरे गलती की सजा ली है, तुम भी ब्लड टेस्ट करके लो। मम्मा, पापा ने ऐसा क्यों किया? उनको हम पे भरोसा नहीं था क्या? बेटा, तेरे बाप ने गलती खुद की और भाग गया, अब मुझे अकेला छोड़ गया अपने गलतियों की सजा भुगतने के लिए। मम्मा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा।
क्या तुम सचमुच सुसाइड करोगे? बस ना यार। क्यों, फट गई? तुमने वंदना को सब कुछ बता दिया, अब आगे? सबसे इम्पोर्टेंट उसकी टेस्ट पॉजिटिव, ये तो और भी अच्छा हो गया, क्योंकि अब हम लोग एक साथ रह सकते हैं, क्योंकि हम लोग एक जैसे ही है ना। तुम्हें क्या लगता है कि सचमुच ऐसा हो पाएगा? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना यार, मुश्किल है यार। मतलब अगर मैं मरता हूं ना तो वो सजा है मेरी गलतियों की, लेकिन मेरी वजह से वंदना मरने वाली है, मुझ पे भरोसा किया वही उसकी गलती है ना। तुम्हें क्या लगता है कि वो कहेगी कि तुम्हारी वजह से मैं मरने वाली हूँ? शायद नहीं कहेगी, लेकिन उसके मन में वही ख्याल आएगा ना। क्यों नहीं आएगा यार, जरूर आएगा। मैंने उसका भरोसा तोड़ा है, उसका विश्वासघात किया है। शादी एक पवित्र रिश्ते का मैंने विश्वासघात किया है। वो मुझे कहेगी, तुमने मेरे साथ धोखा किया है, मगर मैं चुप रहूंगी, इंतजार करूंगी, लेकिन जब मेरा वक्त आएगा ना तब तुमसे सोच समेत इसका बदला लूंगी। समझो, अगर उसने सब कुछ भूलने का फैसला किया तो? लेकिन मैं उन बातों को भूल नहीं पाऊंगा यार, इसलिए हम लोग एक साथ रह नहीं पाएंगे, क्योंकि हम लोग एक जैसे है ही नहीं। उसके पास एक वेपन है यार, जो वो मेरे खिलाफ कभी भी यूज कर सकती है। पास पड़ोस के लोग को क्या कहोगे? उनसे क्या कहना है? हाँ, कुछ तो कहना पड़ेगा ना। अच्छा, मतलब तुम दोस्तों को पार्टी देके अनाउंस करोगे क्या कि मुझे एड्स हुआ है ऐसे? यार ये फिर से शुरू हो गया। अरे यार बोलने दो उसको, उसकी पार्टी है। ए बोल बोल, तेरे मन में है ना? वो बोले मुझे आज एक बहुत जरूरी अनाउंसमेंट करनी है। मुझे है ना एड्स हुआ है। और शून्य से कुछ नहीं होता, ये किधर गायब हो गए? किधर गए? अरे तुम्हें तो पता है टच करने से कुछ नहीं होता यार। मुझे पता है, लेकिन तुम्हें ये पता नहीं कि अभी तुमने जो अनाउंसमेंट किया है ना उससे बहुत कुछ होने वाला है। अब तेरे ऑफिस में क्या होता है ना उसके बारे में सोच। बेशरम है, कुछ अक्कल वक्कल है कि नहीं उसको? देखना कैसे कैसे लोग आ जाते हैं ऑफिस में। मेरे हस्बैंड ने भी बोला है अगर ये आ रहेगा ना तो मुझे काम नहीं करने देंगे। हाँ, मैंने बॉस को भी बोला है अगर ये रहेगा ना तो मैं ही नहीं रहूंगी यहाँ। तूने बॉस को बोला है ना तो वो जरूर जाएगा। अरे प्रकाश, चाय पीने जाएंगे ना? जब अरे नहीं, मुझे चाय नहीं पीनी है भाई। मैं देता हूँ ना, चलो ना भाई। अरे नहीं पीनी है मुझे चाय। ठीक है फिर कॉफी पियेंगे, चलो। अरे व्हाई आर यू डिस्टर्बिंग मी? मेरे लिए पानी लेके आना प्लीज। नहीं मिलेगा सर। तो क्यों? आपका पानी आप खुद से घर के लेके आओ। लेकिन नहीं, आपको बड़े साहब ने बुलाया है ये बताने के लिए मैं आया। मैं अंदर आ सकता हूँ सर?
अरे बैठो। आपने मुझे बुलाया सर? हाँ बुलाया। चिल्ड्रन तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? ठीक है सर। तो तुम एआरटी का ट्रीटमेंट क्यों नहीं लेते? सर मैं हेल्दी हूं ना सर। नहीं वो तो ठीक है, तो मैं क्या सोच रहा हूं, तुम एक लंबी छुट्टी पे क्यों नहीं जाते? क्यों सर? सच बताओ तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है तुम्हारे बारे में, क्योंकि तुमने सबको बता दिया है कि तुम पॉजिटिव हो। ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सर। लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या सर? मेरा काम तो अच्छा है ना? नहीं काम अच्छा है तुम्हारा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या है? लोगों की कंप्लेंट्स आ गई है मेरे पास। क्यों सर? टच करने से कुछ नहीं होता? वो मुझे भी मालूम है। टच करने से कुछ नहीं होता वो मुझे भी मालूम है, लेकिन कैसा है कि लोगों को कौन समझाएगा? यानी कि मैं आप मुझे काम से निकाल रहे हैं? नहीं नहीं निकाल नहीं रहा हूं, तो एक काम करो, थोड़ी लंबी छुट्टी पे चले जाओ बस। ये गलत है सर, और ये कानून के खिलाफ भी है। देखो मेरा काम अच्छा है, मेरा रिकॉर्ड अच्छा है, और मेरा घर इस जॉब पर, और मैं दवाई के पैसे कहां से लाऊंगा सर? देखा अभी शॉर्ट टेम्पर हो गए। देखो सर ऐसे करोगे ना तो मैं यूनियन के पास जाऊंगा सर। तुम जिस यूनियन की बात कर रहे हो ना, उसी यूनियन का लेटर मेरे पास आया है। बेटर यही है कि तुम डिग्निटी के साथ यहां से चले जाओ। सुनो। हाँ सर। आज शाम तक मुझे तुम्हारी लंबी लीव का रिक्वेस्ट लेटर मेरे टेबल पर चाहिए। जाओ। अब क्या करना यार? कुछ नहीं करना है, कुछ हुआ ही नहीं समझ के चलना है। कुछ हुआ ही नहीं है ना? कुछ हुआ ही नहीं, कुछ भी नहीं करना है। वही सुबह वही शाम वही दिन वही रात, सब कुछ वैसे के वैसे ही तो है, कुछ भी तो नहीं बदला। लेकिन मैं बदल गया हूं ना, मैं बदल गया। क्या लिख रहे हो? विल। क्या? विल रे वसीयत। फिर क्या? फिर मेरे जो भी पेंडिंग काम है वो सब मैं निपटा लूंगा। फिर क्या? फिर चूतिया। फिर क्या? फिर तुम काम करो। क्या करो? तुम कविता करो। जैसे हाथ में एक पेन ले लो और तुम्हारी नजर दूर कहीं, और फिर अल्फाज आएंगे एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। नहीं आएंगे। बात आएंगे? नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। नहीं आएंगे क्योंकि कुछ हुआ है। तुम्हारे शरीर के अंदर एक परजीवी घुसा है और वो तुम्हें चैन से जीने नहीं देगा। मैं उसके बारे में लिखूंगा। क्या लिखूंगा? क्या लिखूंगा? मुझे एड्स कैसे हुआ? बेस्ट सेलर, तुम्हें अवार्ड मिलेगा। लेकिन अपने बच्चे के बारे में कभी सोचा?
इधर आ रे, इधर आ। क्यों क्यों? इधर आ, तेरा बाप गे था कह रे। हाँ हाँ देख, मुझे पता है कि मैं मौत के कगार पे खड़ा हूँ, टाइम बॉम्ब हाथ में लेके बैठा, लेकिन मैं एक राइटर हूँ और मेरे पास एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में किसी राइटर ने सोचा भी नहीं होगा। मैं इतिहास बनाऊंगा। तुमने सिर्फ मेरा भरोसा ही नहीं तोड़ा है, मुझे बर्बाद करके छोड़ा है। मेरे बारे में नहीं, कम से कम अपने बच्चों के बारे में तो सोचा होता। तुम्हें क्या लगता है ये सब करने से तुम मार बन जाओगे? तुम्हारी इस हरकत से हमारे बच्चे हमारे मरने के बाद भी हमसे नफरत करेंगे, यही चाहते हो ना तुम? जिंदगी बातें छुपाने में निकल जाती है, जो जैसा है ना वैसा कभी किसी को नहीं दिखा। लोग मुखौटे पहन के जीते हैं। मैं अपने अंदर के झूठ को जला दूंगा, फिर मुझे किसी की भी कोई भी परवाह नहीं है। वंदना हॉस्पिटल में है, बेड रिडन। वायरस उसके ब्रेन तक फैल गया है, लेकिन तुम अभी भी हेल्दी हो। एक दिन तुम उसे मिलने के लिए हॉस्पिटल जाते हो। तुम्हें हॉस्पिटल के अंदर जाना है, लेकिन अंदर जाने से तुम कतरा रहे हो। तुम बाहर ही थोड़ा टाइम पास करते हो और फिर हिम्मत करके अंदर जाते हो। उसका रूम छोटा सा है। माय गॉड, देर हो गई। ओके ये सब ठीक है,
एक तुम स्क्रिप्ट लॉक करो, मैं जाता हूँ। यस यस यस, बाय। ओके चलो चलो चलो, थैंक यू।